अभी हम जा रहे हैं यहाँ पे लंच के लिए। ये APDTC का जो होटल है वहीं पे हम लंच करेंगे। तो ये हमारा लंच है, दाल चावल फ्राइड राइस है और दाल है और लड्डू है एक और दही है एक पापड़ है और भी कुछ है बट वो मैंने अभी लिया नहीं है, मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। ये देखिए यहाँ पे सब्बे है, आप खुद जाके यहाँ पे ले सकते हो। ये देखिए ये बम्बू चिकन बन रहा है। तो अभी हमने क्या कहते हैं जो हार्ट लिया है वो लिया है गली कोंडा व्यू पॉइंट, यहाँ पे आप अपना फोटो वोटो खिंचा सकते हो। यहाँ पे केवल 5 मिनट का ब्रेक है और क्या कहते हैं फिर हम यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे। तो मैंने भी फ़ोटो वोटो खिंचाई है और जो भी आपको व्यू दिखाए थे वो सब जो वो फोटो पॉइंट के हैं। ये रहा गली कोंडा व्यू पॉइंट, यहाँ पे क्या कहते हैं आप फ़ोटो खिंचा सकते हो, नारियल पानी पी सकते हो, एक रिफ्रेशमेंट ले सकते हो। तो क्या कहते हैं बस ये था एक छोटा सा, ये है एक छोटा सा मतलब फ़ोटो पॉइंट, आप हमें फ़ोटो वोटो खिंचा सकते हो और कुछ नहीं है। चिकन एक चिकन से और बड़ा जैसे बम्बू चिकन, बम्बू चिकन। तो हम यहाँ से अब निकल रहे हैं। मैं लेता
तो ये है मेरे पीछे केव, अब मैं वहीं जा रहा हूँ नीचे से। तो भाई मैं नीचे अभी आ गया हूँ, मैं अभी और नीचे जा रहा हूँ, हैं वहाँ पे लाइट वाइट जल रही है, अब देखते हैं वहाँ पे विजिबिलिटी है या नहीं है। तो ये है बुरा केव,
तो ये जो पोर्शन है जब आप नीचे आओगे तो ग्राउंड पे है और उसके बेसमेंट में भी है। बेसमेंट पे आप जाओगे पतले पतले से रास्ते हैं और काफ़ी लोग शोर मचाते हैं। और क्या कहते हैं, पहले तो मैंने ये विजिट नहीं किया था, मैं पहले बेसमेंट में चला गया था। सीढ़ियाँ हैं बहुत सारी, पतला सा है, दो मंदिर भी हैं, काफ़ी अच्छा बना हुआ है। और अब मैं जा रहा हूँ ऊपर, तो यही था सब कुछ केव में, और कुछ होगा तो आपको दिखाऊँगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर ज़रूर कर देना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब बस ये शायद ये लास्ट पॉइंट होगा हमारा, इसके बाद हम निकलेंगे यहाँ पे। बाहर निकलते हैं, ये छोटी सी मार्केट है, और क्या कहते हैं, यहाँ पे आप खा पी सकते हो, कुछ खरीद सकते हो अपने लिए, तो वो भी कर सकते हो। तो बस ये था, और ये हमारी बस है। तो यहाँ पे जो है हाथ के कलाकारी के कुछ बर्तन हैं और लैंप हैं, और जो पानी में हम देते हैं पानी वानी देने के लिए कुछ ट्रे वगैरह भी हैं, वो भी आप चाहो तो परचेज़ कर सकते हो। मतलब पूरी लकड़ी का बने हुए हैं और आप वो हाथ से बने हुए हैं, हैंडमेड है। यहाँ पे जो एंट्री फीस है वो 70 रुपये है, और अगर आप वीडियो कैमरा लेके जाते हो तो उसकी अलग है। बट हम लोगों ने तो पैकेज दिया था, तो हमारी कोई टिकट नहीं लगती, तो मुझे लगा क्या कहते हैं कि हमारी कोई टिकट नहीं लगेगी, मतलब यहाँ की कोई टिकट है ही नहीं। बट यहाँ की टिकट है, 70 रुपये टिकट है, बच्चों की शायद 25 रुपये टिकट है। मैंने वीडियो बना के डाल दी है, आप वहाँ से भी देख सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसका डिटेल दे दूँगा कि कितनी कितनी टिकट है, किस किस की कितनी टिकट है, कैमरा के साथ कितनी है। तो मुझे पता नहीं था क्योंकि पैकेज वालों के साथ ये टिकट फ्री है। अब मैं रेस्टोरेंट में आ गया हूँ, मैं यहाँ चाय पी रहा हूँ। तो अभी हम यहाँ रुके हैं, क्या कहते हैं, जो आंध्र प्रदेश का टूरिज्म डेस्क है, हैं वहाँ पे टी टाइम है अभी। पकौड़े दिए थे, शायद पनीर के थे, और चाय दिया, तो अभी मैं चाय पी रहा हूँ। जैसा कि मैंने आपको दिखाया था वो था, और क्या कहते हैं, बस चाय पी के अब यहाँ से हम सीधे विशाखापट्टनम की तरफ निकल लेंगे। और बस ये था पूरा का पूरा, और आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। तो जो ब्रेकफास्ट था सुबह का, और लंच और टी, ये सब पैकेज में थी। तो ये जो आंध्र प्रदेश टूर है, ये जो आंध्र प्रदेश टूरिज्म का हेल्प डेस्क है, आप यहाँ पे अपना रूम वूम भी बुक कर सकते हो। ये पीछे हैं कॉटेज, और इसके ऊपर भी हैं कुछ रूम्स, तो यहाँ भी आप बुक कर सकते हो। जो ऊपर था जहाँ हमने लंच किया था वहाँ भी आप बुक कर सकते हो, जहाँ से हमने पिकअप किया था वहाँ पर भी होटल्स हैं, वहाँ पर भी आप बुक कर सकते हो। तो बस ये थी पूरा टूर का, तो बस इस वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड। अब हम सीधे जाएंगे विशाखापट्टनम, तकरीबन 3 घंटा लग जाएगा, अभी 6 बज रहे हैं, रात के 9 बज जाएगा। तो बस मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए। बाय।